हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद बेल का आइकन प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। वैसे क्लोज कर दीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग पावर पॉइंट में देखते हैं एक्शन बटन, तो इसे डिलीट करते हैं और न्यू स्लाइड ले लीजिए, या डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। चलिए न्यू स्लाइड। चलिए ठीक है, और ये सबको डिलीट कर दीजिए, टाइटल वगैरह को। अब कोई एक एनिमेशन बस छोटा मोटा हम लोग तैयार कर लेते हैं। और चलो ठीक है, रेड एनिमेशन, मोर एंट्रेंस, और कोई एनिमेशन ले लेते हैं। चलिए ठीक है, मोर एम्फेसिस। तो सिलेक्ट नहीं होने के कारण ये सिलेक्ट कीजिए, तब फिर जाइए। ओके, क्लिक एड, एक चीज डाल देते हैं। चलिए चलिए ठीक है। ओके, सेम इसमें भी हम लोग कोई एनिमेशन डाल देते हैं, मान लीजिए। बस सिंपली कुछ लिख लेते हैं, एम्फेसिस। ठीक है, ओके, क्लिक करना ना भूले, एम्फेसिस। ठीक, ओके, क्लिक और एग्जिट एनिमेशन। आप यहाँ एनिमेशन पैन ले लें और तीनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के सहारे, और यहाँ आफ्टर प्रीव्यू कर दीजिए, क्लिक, और शिफ्ट के सहारे डाउन को क्लिक करें, और इस बटन में क्लिक करके आफ्टर प्रीव्यू थर्ड में क्लिक करें। यहाँ भी कोई कुछ लिख लें, या फिर कोई शेप में एनिमेशन कर लें। और एनिमेशन ओके, क्लिक एड, मोर एम्फेसिस, क्लिक, ये ठीक है। ओके, क्लिक एक्सिट एनिमेशन। बस सिंपली एक हम लोग तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अलग अलग स्लाइडों में अलग अलग एनिमेशन तैयार किया है, तो इस तरह से आप किस तरह से एक्शन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एड एनिमेशन एम्फेसिस में डालना चाहता हूं। ओके, इसको भेजा के हम लोग यहाँ आफ्टर प्रीव्यू। चलो ठीक है, फाइव, यहाँ भी हम लोग कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए स्टार। और एनिमेशन लाइटन, ओके, और सबके एनिमेशन में आफ्टर प्रीव्यू कर दें। यहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने किया हुआ था, सबको शिफ्ट का सहारे सबको सेलेक्ट करें और इस बटन में क्लिक करके यहाँ से आफ्टर प्रीव्यू ऑटोमेटिक जो है, किसी भी एनिमेशन को जब आप स्लाइड शो करके देखते हैं तो ऑटोमेटिक ये चलाने का काम करता है, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो फिर एनिमेशन ऑटोमेटिक प्ले नहीं होता है, इसे क्लिक कर करके देखना होता है। और देखिए, मान लीजिए फर्स्ट स्लाइड में हम क्लिक किए और इंसर्ट में जाइए, यहाँ आपको मिलता है एक्शन। हालांकि आप इस काम को आप यहां से भी शेप से एक्शन बटन के यूज कर सकते हैं यहां से भी, और नहीं तो आप खुद का शेप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं
इसे बटन यूज करना चाहते हो बना के, तो आप क्लिक करके इंसर्ट टैब में एक्शन में क्लिक करें तो भी ये बटन के जैसा काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए हाइपरलिंक है, रन प्रोग्राम, आप चाहते हैं कि इसमें क्लिक करें तो कोई प्रोग्राम खुल जाए जैसे पावर पॉइंट, वर्ड, तो आप यहाँ क्लिक करके उस प्रोग्राम को यहाँ से चुन लें जिस प्रोग्राम को आप उस बटन के द्वारा खोलना चाहते हैं। यहाँ से आप सी ड्राइव में जाएं और किसी भी प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम को आप चाहते हैं उस प्रोग्राम में क्लिक करके खोल सकते हैं जहाँ भी हो। और आप स्लाइड को अगर रन करना चाहते हैं तो इस रेडियो बटन में क्लिक करें हाइपरलिंक टू में, और जैसे यहाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, प्रीवियस मीन्स पहले वाला फर्स्ट स्लाइड दिखाना चाहिए यहाँ क्लिक करने पर, तो मैं चाहता हूँ इस बटन में क्लिक करने पर डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड छोड़ दीजिए और यहाँ पर आप साउंड अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके साउंड भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से ओके हाईलाइट क्लिक भी शो करना चाहते हैं, हाईलाइट क्लिक करने पर थोड़ा सा अलग इफेक्ट होगा। ओके अब जब इसको आप स्लाइड शो करते हैं तो ये एनिमेशन दिखाने के बाद रुक गया, यहाँ जाते हैं तो ये हैंड टाइप का बनता है यानी लिंक का काम कर रहा है ये, और इसको क्लिक करने पर आप नेक्स्ट स्लाइड पर ऑटोमेटिक जाते हैं क्योंकि इस पर हम लोगों ने लिंक दिया हुआ था नेक्स्ट स्लाइड का। तो ये देख सकते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ क्लिक करके हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड शो कर रहा है। इस तरह से मान लीजिए कि आप स्लाइड नंबर 5 में क्लिक किए, यहाँ आपने एक बटन ले लिया मान लीजिए इस तरह से, और हो सके तो आप इसमें नाम भी लिख दें, राइट क्लिक करके यहाँ से एडिट टेक्स्ट यहाँ लिख दिए प्रेस मी, और इसको आप कलर भी कर सकते हैं, हाँ सभी कलर कर सकते हैं। अब सिंपली इसमें क्लिक करके इंसर्ट में जाएं, यहाँ से एक्शन में क्लिक करें, और आप चाहते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट स्लाइड ना दिखा के ये दिखाए जब यहाँ पहुंचे तो ये हमेशा फर्स्ट स्लाइड को शो करे, तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्लाइड होता है तो इस क्लिक करके यहाँ ओके कर सकते हैं इस तरह से। फिर हम लोग यहाँ चाहते हैं कि यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ एक बटन हम लोग रखना चाहते हैं मान लीजिए, इसको मैं बटन बनाना चाहता हूँ इस तरह से, और इसे भी कलर कर दीजिए रेड कलर मान लीजिए, या यहाँ से कलर कर देते हैं हम लोग, और इसमें भी एक्शन डालने के यहाँ से एक्शन में जाए, यहाँ से हाइपर लिंक टू, और यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि जैसे यहाँ क्लिक करें तो नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट कौन होगा इसके बाद यानी थर्ड स्लाइड शो करें, तो नेक्स्ट स्लाइड ओके। फिर थर्ड में लोग चाहते हैं कि थर्ड में क्लिक करें तो ऑटोमेटिक हम लोग 5 में चल जाए मान लीजिए, तो थर्ड में तो यहां से तो कर ही सकते हैं, प्लस हम लोग यहां शेप में जाकर इसका बटन का भी यूज कर सकते हैं, इसमें क्लिक करें और यहां से बस खींच दें जैसे बटन तैयार होता है देखिए नेक्स्ट स्लाइड का, लेकिन हम लोग यहाँ चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट की जगह पर हम लोग चाहते हैं कि नहीं सो 5 नंबर स्लाइड सॉरी उसके लिए तो फिर माइक्रो करना पड़ जाएगा नंबर 5 में जाने के लिए, तो यहां से हम लोग चाहते हैं प्रीवियस मान लीजिए, तो क्लिक करके प्रीवियस कर सकते हैं या फिर फर्स्ट स्लाइड, हाँ चलिए नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट स्लाइड ओके, इस तरह से बटन बना सकते हैं। और फिर मान लीजिए आप फर्स्ट स्लाइड पर हैं और यहाँ से आप जैसे ही स्लाइड शो करते हैं तो ये एनिमेशन शो करने के बाद आपको यहाँ स्टॉप कर जाता है आपका पेज, और यहाँ से आप क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं ठीक है। फिर यहाँ क्लिक कीजिए, इस तरह से आपका स्लाइड जो है बटन के हिसाब से काम करता है, एक्टिविटी करता है इस तरह से, फिर आप क्लिक करते हैं इस तरह से स्लाइड में जा सकते हैं, यहाँ आप क्लिक करते हैं चूंकि ये ब्लू हो गया यानी कि ये सिलेक्ट था तो ऑटोमेटिक फर्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं इस तरह से। तो ये था हम लोगों का एक्शन स्क्रिप्ट, एक्शन बटन। यहाँ एक होता है ऑडियो का, आप चाहे तो यहाँ पर ऑडियो का भी फाइल ऐड कर सकते हैं, अगर आपने रिकॉर्ड किया हुआ या क्लिप आर्ट में आपका है तो वहां से भी
या फिर अपने कंप्यूटर से यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से आप जिस जगह पर आपका ऑडियो है उस जगह पर चले जाएं और ऑडियो को यहाँ अटैच कर सकते हैं। यह प्रोसेस कर रहा होता है अटैच होने के लिए फर्स्ट स्लाइड में। यहाँ देख सकते हैं ये प्रोसेस ही अभी थोड़ा सा हुआ, तो ये प्रोसेस होने के बाद उसको आप कहीं भी रख सकते हो और आप ऐसे क्लिक करके यहाँ से प्ले भी करके और उस गाना को सुन सकते हैं जिस गाना को आपने अभी ऐड किया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्शन बटन सीखा। सेव करना है तो यस कीजिए और नहीं करना है सेव करना है तो सेव में क्लिक कीजिए, सुरक्षित नहीं करना है तो डोंट सेव।